नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश दहिया है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नेचुरल स्टोरेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। हमारी कंपनी पिछले 22 साल से इस फील्ड में है और हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स पे टर्नकी सॉल्यूशंस देते हैं। इसमें कोल्ड स्टोरेज है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, राइपनिंग चैम्बर्स है, ये सब जो चीज़ें उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको डिटेल में कोशिश करेंगे जो फ्रूट राइपनिंग सिस्टम्स है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़े हुए हैं, राइपनिंग चैम्बर्स क्या होते हैं, उसको कैसे इंस्टॉल करना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग आपसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, आज के जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है कि व्हाट इज़ द राइपनिंग चैम्बर्स, व्हाट इज़ द राइपनिंग प्रोसेस, मतलब कि राइपनिंग प्रोसेस क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि राइपनिंग प्रोसेस जो उसकी क्या क्या मेथड्स है, किस किस तरह से हम राइपनिंग कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट रहेगा दोस्तों, वो रहेगा कि राइपनिंग चैम्बर्स हमको क्यों चाहिए, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दोस्तों, हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो फ्रूट्स है उसको राइपनिंग चैम्बर्स में कैसे उसको राइपन कर सकते हैं, उसको कैसे पका सकते हैं, कैसे मैच्योर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके अलावा राइपनिंग चैम्बर्स है वो कहाँ पे हमको लगाना चाहिए, उसके लिए क्या राइट लोकेशंस है, और रॉ मटेरियल्स की क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे कि जो डिज़ाइन है राइपनिंग चैम्बर्स की वो कैसे होनी चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दोस्तों, ऑपरेशंस है राइपनिंग चैम्बर्स कैसे ऑपरेट की जाती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दोस्तों, जो भारतवर्ष में अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें राइपनिंग चैम्बर्स का क्या महत्व है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दोस्तों, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भारत सरकार है उसमें हमको क्या क्या किस किस प्रकार की सहायता देती है, कुछ सब्सिडीज है और क्या क्या सपोर्ट मिल सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि राइपनिंग प्रोसेस क्या है। दोस्तों, जो राइपनिंग प्रोसेस है वो दो फ्रूट्स के लिए होता है, एक है क्लाइमेटिक फ्रूट्स, एक है नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स। अब दोस्तों, जो क्लाइमेटिक फ्रूट्स है वो ऐसा फ्रूट्स है कि जो जब हम हार्वेस्ट करते हैं फील्ड से या फार्म से या पेड़ से, उसके बाद भी उसकी जो प्रोसेस है वो नेचुरल वे में चालू रहती है राइपनिंग होने की, मतलब कि पकने की। तो जैसे कुछ फ्रूट वेजिटेबल्स है जो हमको बहुत इजीली समझ में आता है, जैसे मैंगो है, पपीता है, केले है, ये सब चीज़ें ऐसी दोस्तों कि जब हम उसको पेड़ से या फील्ड से जब हार्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद भी वो धीरे धीरे अपने आप उसकी प्रोसेस जो राइपनिंग है वो चलती रहती है। दूसरे कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि मौसम्बी है, संतरा है, नींबू है, ऐसे जो प्रोडक्ट्स है, ये सब दोस्तों ऐसा है जिसको हम नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट की कैटेगरी में रख सकते हैं, जो अपने आप ज़्यादा पकते नहीं है और उसका रिस्पिरेशन कम है और इथिलीन एमिशन भी कम है, सेंसिटिविटी टू इथिलीन जो हम बोलते हैं वो भी कम है दोस्तों। तो ये दो तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिसको हम राइपनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइपनिंग के लिए हमारा बिजनेस मॉडल बन सकता है। अब दोस्तों, मैं पहले आऊँगा सबसे पहले कि राइपनिंग प्रोसेस है वो क्या है। दोस्तों देखिए, राइपनिंग प्रोसेस है वो कोई भी जो फ्रूट्स है उसको मेच्योर करने की, उसको एक पकने की एक प्रोसेस है। अब दोस्तों, ये जो प्रोसेस है वो तीन तरीके से हो सकती है। एक तो है दोस्तों कि जो फ्रूट्स है वो अपने आप पेड़ पे भी पकता है, एक कुछ लेवल पे मेच्योरिटी होने के बाद फ्रूट्स को अगर हम पेड़ पे रखते हैं दोस्तों, तो वो अपने आप एक नेचुरल वे में पकता है। पर जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जैसे मैंगो है, तो हम देखते हैं कि कुछ मैंगो जिसको हम अब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि पका हुआ झाड़ पे पका हुआ जो बहुत मीठा होता है, उसका रीज़न दोस्तों ये है कि वो नेचुरल वे में राइपन हुआ है। एक उसकी मैच्योरिटी के बाद भी जब वो फ्रूट्स जार से और अपने पौधे से जुड़ा हुआ है तो वो एक नॉर्मल वे में पकता है। बस दोस्तों, ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है। दूसरा दोस्तों, कि ये प्रोसेस में ड्यूरिंग बहुत सारे रिस्क है, जैसे कि कोई कीड़ा लग गया, कोई अगर नेचुरल क्लाइमिटी होगी, बहुत तेज हवाएं चल गई तो फ्रूट्स अपने आप नीचे गिर जाता है दोस्तों। और दूसरा, ये दोस्तों लंबी प्रोसेस है, और जब ये जो फ्रूट्स है वो जब पेड़ पे आता है तो हम बहुत लंबे टाइम तक उसको रखना पड़ता है। तो जो आज की जो फास्ट लाइफ जिसको दोस्तों हम बोलते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ हम लोग वेट नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये एडवांटेज तो है कि अगर पेड़ पे ही अगर कोई फ्रूट्स पकता है तो नेचुरली वो बहुत मीठा होता है, बट इससे रिस्क भी है।
तो ये इसलिए दोस्तों हमको ये समझना चाहिए कि ये दोनों चीज में अंतर है। तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे जो राइपनिंग चैम्बर्स है उसका जो मार्केट है उसका जो इंटरेस्ट हो लोगों में बढ़ रहा है। दूसरा दोस्तों हम बताते हैं कि भाई एक है मैनुअल राइपनिंग प्रोसेस जो हम काफ़ी पुराने समय में यूज़ करते हैं कि जैसे दोस्तों हमने जो फ्रूट्स है उसको तोड़ के हमने उसके ऊपर कुछ पत्ते लगा दिए या हमने जैसे कोई अपना जूट बैग है उसमें उसके फ्रूट्स को हमने रख दिया। दोस्तों ये सब जो तरीका है दोस्तों ये तरीका है जिससे हम फ्रूट्स है उसको एक तरह का सा हम हॉट क्लाइमेट देते हैं ताकि फ्रूट्स का जो टेम्परेचर है पल्प टेम्परेचर वो बढ़ता है एंड देन उसका जो रेस्पिरेशन है दोस्तों वो बढ़ने लगता है। तो उस तरीके से उसका भी राइपनिंग प्रोसेस है उसको एक सर्टेन लेवल तक हम लोग बढ़ा सकते हैं। पर दोस्तों इसमें दिक्कत क्या है कि उसमें पूरी जो चीज़ वो आदमी की स्किल के ऊपर चली जाती है और दूसरा दोस्तों इसमें जिस लेवल पे फ्रूट जो मेच्योर अगर हमने एक सर्टेन लेवल पे मेच्योर फ्रूट को काट के ही हमने रखा है तो आपको यूनिफॉर्म ये कलर और टेस्ट मिलेगा। अदरवाइज दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई फ्रूट जल्दी पक जाएगा कुछ कच्चा ही रह जाएगा कुछ बहुत ज़्यादा पक जाएगा अगर वो बहुत मेच्योर हो गया और आपने रखा है तो। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हमारा काफ़ी जो आम है वो या केले है ये सब चीज़ें बिगड़ जाती है। तो दोस्तों इसलिए हम लोग जो पुराना तरीका है उसमें हमारे लॉसेस काफ़ी रहते हैं और उसमें आपको यूनिफॉर्म टेस्ट भी नहीं मिलता है। तो ये है दूसरा लोग बहुत पुराने ज़माने में कुछ तरीके के घातक केमिकल यूज़ करते थे दोस्तों इथरल ये सब जो ह्यूमन बींग कंजम्पशन के लिए बहुत ही नुकसानकारक है दोस्तों तो उसका तो कतई उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सब का जो एक ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशंस क्या है तो उसका सॉल्यूशन दोस्तों है राइपनिंग चैम्बर्स ऐसे कंट्रोल राइपनिंग चैम्बर्स। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहेगा कि ये कंट्रोल फ्रूट राइपनिंग चैम्बर्स क्या है। तो दोस्तों उसके बारे में आपको थोड़ा मैं विस्तार से समझाता हूँ। जो कंट्रोल राइपनिंग चैम्बर्स है उसमें हम लोग ऐसा एटमोसफियर क्रिएट करते हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जो इथिलीन कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम कंट्रोल करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हर एक फ्रूट्स को यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट यूनिफॉर्म एटमोसफियर वातावरण मिले ताकि जो फ्रूट्स हैं वो सही दिशा में पके और एक सा पके और उसका टेस्ट भी आपको एक सा मिले। तो दोस्तों अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो अभी मैं आपको इसके बारे में विस्तार से समझाता हूँ कि जो फ्रूट राइपनिंग चैम्बर्स है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो क्या है। दोस्तों ये जो फ्रूट राइपनिंग चैम्बर्स है उसमें हम लोग एक रीजनेबली एयर टाइट इंसुलेटेड रूम्स बनाते हैं वो आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं जैसे इंसुलेटेड पैनल्स यूज कर सकते हैं या ब्रिक वॉल का कंस्ट्रक्शन करके अंदर से आप इसको इंसुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम इंसुलेटेड वॉल्स अच्छा सा बिल्डिंग बना के हम उसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि जो हम फ्रूट्स है उसको हम यूनिफॉर्म टेम्परेचर दें। दोस्तों जैसे जैसे फ्रूट का रेस्पिरेशन बढ़ता है तो वो धीरे धीरे सराउंडिंग एटमोसफियर का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता है तो हमको वो टेम्परेचर भी कंट्रोल करना है। तो उसका सबसे जो आसान तरीका है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पर दोस्तों हम रेफ्रिजरेशन के थ्रू टेम्परेचर भी कंट्रोल करेंगे। उसके अलावा दोस्तों जब फ्रूट्स जो राइपन होता है तो वो अपने साथ इथिलीन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जनरेट करता है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी कंट्रोल करना है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल नहीं करते हैं तो फ्रूट से आपका नर्म हो जाता है। तो दोस्तों नर्म फ्रूट है उसकी सेल्फ लाइफ भी कम हो जाती है बट और उसकी मार्केटिंग जो अपील हम बोलते हैं दोस्तों खास करके आप आम में देखेंगे दोस्तों कि आम अगर अपना ज़्यादा और पक्का हो जाता है तो एकदम नर्म हो जाता है अगर उसको ज़्यादा गर्मी लग गई हम जो बोलते हैं। तो दोस्तों ये टेम्परेचर भी हमको कंट्रोल करना है कार्बन डाइऑक्साइड भी हमको कंट्रोल करना है। उसके अलावा दोस्तों हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि हम उसमें इथिलीन इंट्रोड्यूस करेंगे। दोस्तों कोई भी फ्रूट्स है उसको पकने के लिए उसका जो इथिलीन के साथ कॉन्टेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर दोस्तों ये पुराने तरीके से टेक्नोलॉजी क्यों अलग है। दोस्तों यहाँ पर हम जो इथिलीन देते हैं वो मिक्सचर ऑफ गैस होता है जैसे कि दोस्तों आजकल पूरे भारतवर्ष में आपको बहुत सारे लोकेशंस पे ब्लेंडेड गैस जिसको हम बोलते हैं वो अवेलेबल मिलता है जिसमें इथिलीन और नाइट्रोजन का मिक्सर होता है। दोस्तों ऐसी रेडीमेड बॉटल्स आपको अवेलेबल है तो दोस्तों वो बॉटल से हम लोग वो चैम्बर में इथिलीन है वो कंट्रोल मात्रा में इंजेक्ट करते हैं
तो उससे क्या होता है कि पूरा जो एटमोस्फियर है उसमें जो इथिलीन है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और बिकॉज ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर सर्कुलेशन सिस्टम, दोस्तों ये जो इथिलीन कॉन्सेंट्रेट एयर है वो हर एक फ्रूट्स के टच में आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दोस्तों फ्रूट्स हैं वो यूनिफॉर्मली धीरे धीरे राइपन होने का प्रोसेस इनिशिएट करता है, ट्रिगर होता है जिसको हम बोलते हैं। और दोस्तों ये जो राइपनिंग प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस है, एक बार फ्रूट्स जब आपका राइपनिंग स्टार्ट कर देगा तो देन यू कैन नॉट स्टॉप इट, हाँ, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। तो जैसे दोस्तों हम कुछ समय के लिए डिपेंडिंग अपॉन द फ्रूट्स हम जब इथिलीन गैस जो इसको एक्सपोज करेंगे तो धीरे धीरे फ्रूट से अपने आप राइपनिंग प्रोसेस इनिशिएट कर लेता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये रैपिंग चैम्बर्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग टेम्परेचर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, इथिलीन कॉन्सेंट्रेशन और एयर फ्लो, एयर सर्कुलेशन सिस्टम्स कंट्रोल करेंगे। अगर दोस्तों ये पैरामीटर्स हम कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो फ्रूट्स है वो यूनिफॉर्म राइपन होगा, प्लस आपका उसका जो कलर है, जो स्ट्रक्चर्स है वो भी आपको यूनिफॉर्म मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों जो फ्रूट्स है उसके ऊपर डिपेंड्स करता है उस, और उसकी मेच्योरिटी के ऊपर डिपेंड्स करता है, उसकी उस हिसाब से हम उसको एक्सपोजर देंगे और बाद में उसको टेम्परेचर्स कंट्रोल करेंगे, CO2 कंट्रोल करेंगे, तो आपको एक अच्छा यूनिफॉर्म फ्रूट्स मिलेगा। दोस्तों एक मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा वो है ह्यूमिडिटी। दोस्तों ड्यूरिंग द प्रोसेस हमको ह्यूमिडिटी भी बहुत यूनिफॉर्म मेंटेन करनी है, जिससे आपका जो वेट लॉस है दोस्तों वो बहुत ही कम आएगा, और आपका जितना वेट लॉस कम आएगा उसका फ्रूट का जो टेक्स्चर है, उसकी जो टाइटनेस हम बोलते हैं दोस्तों, वो रहेगी, तो उससे आपका जो फ्रूट्स है उसकी मार्केटिंग अपील भी दोस्तों रहेगी। तो ये ह्यूमिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए आपके पास रेफ्रिजरेशन और एक्सटर्नल ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके बारे में हम लोग आगे और बात करेंगे। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल राइपनिंग प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों नॉर्मल राइपनिंग प्रोसेस की एक साइकिल है, जिसमें क्या होता है कि जो भी फ्रूट्स आप फील्ड से लाते हो तो पहले उसको हम ये जो इंसुलेटेड चैम्बर्स है उसके अंदर रखते हैं, और उसका पहले फील्ड हीट रिमूव करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द फ्रूट्स, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसपोर्टेशन टाइम एंड डिपेंडिंग अपॉन द फ्रूट ट्यूबर टेम्परेचर्स, हम लोग उसको 5 से लेकर 10 घंटे तक फट चैम्बर में रखे टेम्परेचर कंट्रोल करके दोस्तों हम उसकी फील्ड हीट रिमूव करेंगे। उससे क्या होगा कि दोस्तों जो फ्रूट्स का जो पल्प का जो टेम्परेचर उसको हम नॉर्मल कंडीशंस पे लाते हैं। कई बार क्या होता है हम लोग ओपन ट्रांसपोर्टेशन ट्रक में लाते हैं या धूप में लाते हैं दोस्तों फील्ड से, रैपनिंग चैम्बर का जो लोकेशन है, तो वहाँ पे आपके जो पल्प है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले आपको उसको स्टेबिलाइज करना है, तो पहले हम ये जो फ्रूट्स है उसको चैम्बर के अंदर रखते हैं और उसको हम स्टेबिलाइज करते हैं, और उसके बाद जो एक्सपोजर टाइम है उसके बाद हम उसमें इथिलीन गैस, जो मैंने आपको बताया जो मिक्सचर्स है जैसे नाइट्रोजन और इथिलीन गैस का, उसको हम इंजेक्ट करते हैं टू स्टार्ट द राइपनिंग प्रोसेस, टू ट्रिगर द राइपनिंग प्रोसेस। दोस्तों अब डिपेंडिंग अपॉन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपका जो इथिलीन कॉन्सेंट्रेशन है वो हम उसको मेंटेन करते हैं। जैसे अगर आपका बनाना है तो हम 100 से लेकर 150 ppm तक हम लोग मेंटेन करते हैं। मैंगो है तो अराउंड 90-100 ppm डोजिंग मेंटेन करते हैं। पपाया में भी हम 90-100 ppm तक मेंटेन करते हैं। और भी फ्रूट्स के हिसाब से अलग अलग स्टैंडर्ड डेटा हैं जिसको हम एक्सपोज करते हैं, और उसका जो एक्सपोजर टाइम है दोस्तों वो भी डिपेंड्स करता है कि आपके फ्रूट्स की मेच्योरिटी क्या है, फिर आपका फ्रूट्स की कौन सा है उस हिसाब से उसका जो एक्सपोजर टाइम है वो आपका 18 घंटा से लेकर 24 घंटे तक का रहता है। दूसरा दोस्तों ये भी है कि आप आपका जो फ्रूट्स है वो आप कौन से एंड कहाँ पे आप उसको बेचने वाले हैं दोस्तों, उसके ऊपर भी आपको फोकस करके उसको करना है। नॉर्मली दोस्तों रैपनिंग का जो पूरा साइकिल है वो 4 से लेकर 8 दिन तक का है, डिपेंडिंग ऑन द फ्रूट्स, डिपेंडिंग ऑन द कौन से मार्केट में बेचना चाहते हैं उसके ऊपर है। तो ये मैंने आपको बताया कि हमारा जो इथिलीन जो रैपनिंग चैम्बर्स है और जो फ्रूट्स का जो एक्सपोजर टाइम है वो क्या क्या रहेगा। अब दोस्तों जो मैं कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम आम रोजमर्रा की जिंदगी में हम जिसको यूटिलाइज करते हैं, तो उसमें रैपनिंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल है मैं उसको लेके आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। उससे क्या होगा कि आपको जो चीज़ है वो सिंपल लैंग्वेज में समझ में आएगी। दोस्तों जो हम लोग फ्रूट्स जो आम जिन रोजमर्रा की लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें आप देखेंगे बनाना यानी कि केला है, मैंगो यानी आम जो बहुत ही पॉपुलर फ्रूट है दोस्तों,
और मेरा भी बहुत फेवरेट है। और दोस्तों जैसे पपाया हो गया, अवाकाडो भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है भारतवर्ष में, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत ही कॉमर्शियली वायबल प्रोडक्ट है जिसमें हम लोग राइपिंग चैम्बर्स यूटिलाइज करके एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल भी हम बना सकते हैं। अब दोस्तों सबसे जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि मुझे राइपनिंग चैम्बर्स को कहाँ लगाना चाहिए। दोस्तों उसमें जो मेरी एक राय है, आपको ये देखना है कि जब कोई भी फ्रूट्स है वो राइपन हो जाता है यानी कि पूरा पक जाता है तो उसके बाद वो बहुत ही डेलिकेट हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि राइपनिंग चैम्बर्स जब जो आप लगाते हैं तो उसके बाद आपका जो सेलिंग पॉइंट है वो ऐसा होना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी वहाँ पे रीच कर सकें, क्योंकि दोस्तों राइपनिंग होने के बाद फ्रूट्स को हैंडल बहुत ही डेलिकेटली आपको करना पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट होता है और ऑलरेडी राइपन है। तो अगर आप उसको मल्टीपल हैंडलिंग करेंगे दोस्तों तो उसका इंजरी होने का, ब्रेकेज होने का चांसेस है। इसलिए देखिए दोस्तों कि यहाँ पे पैकेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब दोस्तों उस चीज़ पे हम ध्यान रखें तो हमको दो लोकेशंस पे ध्यान देना चाहिए। एक कि जहाँ पे हम प्रोडक्शन बेल्ट है या तो हम वहाँ पे राइपनिंग लगाएं और वहाँ से हम मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करें, और दूसरा है दोस्तों कि जहाँ पे हम मार्केटिंग प्लेस है, जैसे सब्जी मंडी हो गया या बड़ी आपके मार्केट्स हो गए, सेग्रीगेटेड मार्केट हो गए, तो अगर वहाँ पे हम राइपनिंग चैम्बर लगाते हैं दोस्तों तो क्या होगा कि राइपनिंग होने के बाद हम जो मार्केट के एज पर डिमांड है वहाँ पे तुरंत उसको सप्लाई कर सकते हैं और हम जो सप्लाई चेन है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि भाई मेरे लिए एक बार जो फ्रूट राइपनिंग हो जाता है तो मुझे जो डिलीवर करना है, क्योंकि मुझे मेरी जो इनकम है वो तो वहाँ से होने वाली है, तो उसको ध्यान में रख के आपको डिसीजन लेना है कि मुझे राइपनिंग चैम्बर्स कहाँ लगाना है। तो ये मैंने आपको दो तरीके बताए कि हम लोग कहाँ पे राइपनिंग चैम्बर्स लगाने चाहिए। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब राइपनिंग चैम्बर्स आप लगाते हैं तो कभी करंट वहाँ की जो मार्केट रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, और वहाँ पे फ्यूचर डिमांड क्या बढ़ने वाली है, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसमें ध्यान में रख के आपको अपना लोकेशन वो सिलेक्ट करना चाहिए। मान लो आप बड़े सिटी में अगर मार्केट के नज़दीक रखते हो दोस्तों तो जैसी डिमांड आती है आप तुरंत सप्लाई कर सकते हो, तो आपको एक अच्छा खासा वैल्यूएशन मिल जाता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके पास अगर पोर्ट फैसिलिटीज़ है आपकी सिटी के नज़दीक में कहीं, जहाँ से एक्सपोर्ट का भी बहुत बड़ा मार्केट है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। तो उस तरह से आपको लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जहाँ से आप जल्दी मटेरियल डिलीवर कर सको, क्योंकि राइपनिंग होने के बाद फ्रूट्स की एक सेल्फ लाइफ लिमिटेड हो जाती है, तो आपको विद इन दिस टाइम स्पान आपको जो प्रोडक्ट है वो एंड यूजर के पास पहुँचानी है। तो ये पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने हैं कि भाई मैं कैसे फ्रूट्स को अच्छी कंडीशंस में जल्दी से जल्दी डिलीवर कर सकता हूँ। और उसके लिए दोस्तों आपको जो ट्रांसपोर्टेशन मीडिया है वो भी अच्छी तरीके से सिलेक्ट करना है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि राइपनिंग चैम्बर्स जो है उसको हमको कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये जो चीज़ है पूरे आपके बिजनेस मॉडल पे, कॉमर्शियल वायबिलिटी पे ऊपर इम्पेक्ट करता है। देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले ध्यान में देना है राइपनिंग चैम्बर्स जब आप डिज़ाइन करते हो तो आपको एक तो डिसीजन ये लेना है दोस्तों कि सबसे बेस्ट इंसुलेशन मटेरियल आप यूज़ करिए ताकि आपका जो टेम्परेचर है वो आप यूनिफॉर्म मेंटेन करो दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स। दोस्तों रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम के थ्रू आप टेम्परेचर तो कंट्रोल करते ही हो पर साथ में आप ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करते हो कुछ हद तक। तो मेरी दोस्तों आपको ये एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है कि जो राइपनिंग चैम्बर्स में जब आप रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ कर सकते हो, करते हो, जब सिलेक्ट करते हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो रेफ्रिजरेशन आपका जो एयर कूलिंग यूनिट है वो इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि वो मिनिमम से मिनिमम आपका जो वाटर ड्रेन है वो ले, मतलब कि उसका जो डेल्टा टी हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं वो कम से कम होना चाहिए, तो जिसकी वजह से आपका जो ह्यूमिडिटी लॉस है वो बहुत ही कम आएगा। उसके अलावा दोस्तों ह्यूमिडिटी मेकअप करने के लिए हम ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम भी उसमें लगा सकते हैं। अलग अलग तरह की ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम्स होती है, जैसे अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर्स हो गए, हाई प्रेशर ह्यूमिडिफायर हो गए, जैसे ह्यूमिड पेड बेस ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम हो गई, तो ये अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं जिसको ध्यान में रख के आपको उसको लगाना है।
उसके अलावा दोस्तों आपको ऑटोमेटिक इथिलीन डोजिंग सिस्टम भी लगाना है, जिससे क्या होता है कि आपका जो सिलेंडर है उसमें चेंबर के अंदर आपका इथिलीन सेंसर रहेगा, तो वो इथिलीन सेंसर से आपको बताएगा कि कितने ppm का कॉन्सेंट्रेशन है। अगर मान लो हमने कोई एक प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर रेंज फिक्स किया है, तो इथिलीन सेंसर के थ्रू आप ये सिलेंडर ऑपरेट करोगे थ्रू रेगुलेटरी वाल्व, जिसमें जो मात्रा में उसको इथिलीन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए वो कंटिन्यूस फ्रूट्स को मिलता रहेगा और यूनिफॉर्म मिलता रहेगा। तो दोस्तों सेंसर भी यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप समझिए दोस्तों कि सेंसर के ऊपर ही आपका सिस्टम चल रहा है। तो अगर आपका जिसको ब्रेन है, मतलब जो अगर वो ब्रेन आपका गलत है, तो पूरा आपका सिस्टम फेलियर होने का रिस्क हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो सेंसर्स है वो भी बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करने हैं, और वो आपकी काफ़ी हद तक आपकी जो सिस्टम है उसकी सक्सेस और फेलियर डिसाइड हो जाती है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको केयरफुली रेफ्रिजरेशन सिस्टम लेना है, फिर इथिलीन डोजिंग सिस्टम लेना है, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल सिस्टम्स। तो दोस्तों आपको कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल सिस्टम भी लगाना है, ताकि जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमको कंटिन्यूसली फ्लश करना है। बाय वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फ्रेश एयर वी विल कंट्रोल द CO2 लेवल। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि आपका जो फ्रूट्स है वो सॉफ्ट नहीं होता है, और आपको अच्छा टाइट फ्रूट्स अपर राइपनिंग भी मिलता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि हमको जो राइपनिंग चैम्बर्स है उसकी डिजाइनिंग जब हम करते हैं तो क्या क्या पैरामीटर्स इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपको फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ। वी हमको अच्छा इंसुलेटेड रूम क्रिएट करना है, वी हैव टू डिजाइन केयरफुली, वी हैव टू सिलेक्ट द रेफ्रिजरेशन सिस्टम जिसका डेल्टा टी कम हो और वो अच्छा ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सके। उसके अलावा हम एक्सटर्नल ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम्स हमको सिलेक्ट करना चाहिए, CO2 कंट्रोल सिस्टम यूज़ करना चाहिए, और साथ में हमको ऑटोमेटिक इथिलीन डोजिंग सिस्टम यूज़ करना चाहिए। दोस्तों यहाँ मैं ये भी सजेशन दूंगा आपको कि हमको ये जो सिस्टम्स है उस फुली ऑटोमेटिक डिजाइन करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो ह्यूमन एरर है वो निकल जाएगी, और आपका जो फ्रूट्स है वो यूनिफॉर्म आपको पकेगा, उसका टेक्सचर अच्छा मिलेगा, इसका टेस्ट अच्छा मिलेगा दोस्तों, और उससे आपको ये बेनिफिट होगा। तो मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट समरी दे दी कि हमको क्या क्या उसमें करना है। राइपनिंग चैम्बर जब आप डिजाइन करते हो तो आपको क्या क्या पैरामीटर सिलेक्ट करना होता है। उसके अलावा देखिए, अभी हम सर नेक्स्ट जो पॉइंट आते हैं कि भाई मुझे राइपनिंग चैम्बर क्यों लगाना है। अब दोस्तों अब देखिए सर कि भारतवर्ष में अब बहुत सारी अवेयरनेस आ रही है। हाँ, आज लोग समझने लगे हैं कि भाई मैं कार्बाइड से पका हुआ कोई भी फ्रूट्स खाता हूँ तो मेरी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानकारक है। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ों की डिमांड भारत में बहुत बढ़ रही है। दूसरा दोस्तों, जब आप इस तरह से कंट्रोल कंडीशंस में राइपनिंग्स चैम्बर्स का यूज़ करके फ्रूट्स पकाते हैं तो उसकी जो सेल्फ लाइफ है कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम्स या केमिकल बेस्ड राइपनिंग सिस्टम से काफ़ी हद तक उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो जो एंड यूज़र है उसको तो अच्छा फ्रूट्स मिलता ही है खाने के लिए, जो इसकी हेल्थ के लिए अच्छा है, साथ में जो ये पूरी लिंक के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको भी एक अच्छा खासा होल्डिंग टाइम मिलता है, जिसमें वो टाइम को यूटिलाइज करके वो अपने फ्रूट्स है उसको एंड यूजर्स तक अच्छी कंडीशन में पहुँचाता है। तो दोस्तों भारत में बहुत ही अच्छा मार्केट है, अवेयरनेस लोगों में आ रही है। तो अगर आप उसको अच्छी तरीके से मार्केट करो कि मेरा जो फ्रूट्स है वो कार्बाइड फ्री है, हैज़ार्डियस केमिकल फ्री नेचुरल वे में हमने उसको राइपनिंग करके दिया है, तो मुझे लगता है कि लोग डेफिनेटली उसको पसंद करेंगे, और उसके लिए आपको अच्छा खासा रेम्यूनरेशन भी मिलना चाहिए मार्केट में मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये हमने बात किया कि मुझे राइपनिंग चैम्बर्स के लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, मुझे सिलेक्शंस में क्या क्या ध्यान रखना है, और मुझे क्या एडवांटेज मिल सकता है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ये क्यों लगाना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से मैं पॉइंट ऐड करूं कि जैसे सर भारतवर्ष में देखो कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो लोग फूड्स कंज्यूम करने का खाने का इम्पोर्टेंट भी समझ रहे हैं दोस्तों। तो अगर हम अच्छे तरीके से पैक किया हुआ अच्छा राइपनिंग किया हुआ फ्रूट्स देंगे तो डेफिनेटली दोस्तों लोग पसंद करेंगे, और उससे आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरा दोस्तों आप देखेंगे तो अभी भी भारतवर्ष में राइपनिंग चैम्बर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही कम है। कुछ स्टेट है जहाँ पे ये सिस्टम्स अभी अच्छी खासी डेवलप हो रही है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, पर अभी बहुत सारे स्टेट में बहुत जगह है जहाँ पे आप ये राइपनिंग चैम्बर्स इंस्टॉल करके आप उसका अच्छा खासा एक बिजनेस मॉडल डेवलप कर सकते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, भारतवर्ष में प्रोसेसिंग है वो भी एक बहुत बड़ी मात्रा में पॉपुलर हो रहा है।
तो जैसे कोई मैंगो पल्प बनाता है, कोई फ्रोजन पल्प बनाता है मैंगो से, तो दोस्तों ये सब मैंगो प्यूरी करता है दोस्तों, तो इन लोगों को बड़ी क्वांटिटी में फ्रूट्स चाहिए। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे अच्छी राइपनिंग सिस्टम लगा के देंगे तो उनके लिए दोस्तों दो फायदा है, एक तो उनको यूनिफॉर्म प्रोडक्ट मिलेगा, तो उनकी भी जो फिनिश प्रोडक्ट है दोस्तों वो बहुत अच्छी बनेगी। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ रही है वहाँ पे भी आप रैपिंग चम्मच लगा के एक अच्छा बिजनेस मॉडल बना सकते हो। दूसरा दोस्तों, भारत सरकार भी इसके ऊपर आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, भारत सरकार का भी फोकस है कि अच्छी चीज़, अच्छी रैपिंग चैम्बर, अच्छी रैपिंग टेक्नोलॉजीज आए ताकि लोगों की जो हेल्थ है वो बनी रहे, उसमें इम्प्रूवमेंट आए और लोगों को हैज़र्डियस केमिकल्स वाले जो फ्रूट्स है उसको खाने से मुक्ति मिले। दोस्तों आपको ये भी होगा कि रिचर्स जो बोलता है कि भाई इस तरह के जो हानिकारक केमिकल से हम लोग जो फ्रूट्स पका के खाते हैं तो वो कैंसर तक की बीमारियों को भी इन्वाइट करता है। तो दोस्तों हमको ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें हम हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो भारतवर्ष के लोग हैं उनको एक अच्छा एक प्रोडक्ट भी देंगे, जिससे मैं तो एक मानता हूँ कि एक नेक सेवा का भी काम है कि जिसमें हम लोगों को अच्छी चीज़ दे रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा एक ये भी एक एडवांटेज है दोस्तों कि राइपनिंग होने के बाद ये जो फ्रूट्स है जैसे पपीता हो गया, बनाना हो गया, मैंगो है दोस्तों, तो ये रोजमर्रा की कंज्यूमेबल आइटम है, तो आपके लिए हर दिन डिमांड वाला ये बिजनेस है, तो ये भी आपके एक बिजनेस मॉडल को काफ़ी इम्पेक्ट करेगा। जैसे हम लोग दूध है, अभी दूध हमको 365 दिन चाहिए, तो ऐसे ही जो फ्रूट्स है उसकी भी आज पूरे वर्ष के दरमियान डिमांड रहती है दोस्तों। और अभी हमारा एग्रीकल्चर भी काफ़ी एडवांस हो रहा है, तो आप देखेंगे तो आपको लोग जो फार्मर्स हैं वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं कि आपको धीरे धीरे पूरे वर्ष के दरमियान फ्रूट्स मिलता रहेगा। तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छा एक सपोर्टिंग टूल है कि जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल यूनिफॉर्मली मिल रहा है, तो दोस्तों उसकी वजह से आप अपने बिजनेस मॉडल को साल के मैक्सिमम दिन में यूज़ कर सकते हो और उसकी आपकी वायबिलिटी भी बढ़ेगी, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी दोस्तों बढ़ेगा। दोस्तों और एक मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना यहाँ पे चाहूँगा कि कोई भी एंटरप्रेन्योर के लिए उसके मन में थोड़ा डाउट रहता है कि भाई ये मैं करूँगा तो मुझे जो मेरी कैपिटल कॉस्ट है वो मेरी निकलेगी कि नहीं, मुझे मेरा बिजनेस में क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों मैं आपको एक बताऊँ कि भारत सरकार इसमें बहुत गंभीर है, बहुत अच्छी तरीके से उसको सपोर्ट कर रही है। तो जैसे अपना नेस्ट हॉर्टिकल्चर मिशन है, नेस्ट हॉर्टिकल्चर बोर्ड्स है और भी गवर्नमेंट एजेंसियाँ वो इसमें सब्सिडीज देती हैं सर। तो आपको जो भी एंटरप्रेन्योर है उनको अपने स्टेट्स में जो जो बगात डिपार्टमेंट है या नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है या स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड है वहाँ पे जाके मिलना चाहिए और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेना चाहिए कि आपको इस तरह के प्रोजेक्ट में क्या क्या सब्सिडीज मिल रही है। तो दोस्तों इसमें आपको कैपिटल सब्सिडीज भी मिल रही है, प्लस अगर उसमें आप क्रेडिट्स ये सब यूज़ कर रहे हो दोस्तों तो उसके ऊपर भी आपको भारत सरकार की अलग अलग स्कीम के तहत सब्सिडी मिलती है। तो दोस्तों मैंने ये बताया आपको कि हम लोग कहाँ कहाँ बेनिफिट ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बाद भारत सरकार उसमें क्या हेल्प करती है, ऐसा है। तो दोस्तों मैं एक यहाँ पर एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा कि हैंडलिंग ऑफ रैपन फ्रूट्स। तो दोस्तों जब हम फ्रूट्स चैम्बर्स के अंदर रखते हैं दोस्तों तो आपको अच्छी हैंडलिंग सिस्टम यूज़ करनी है, जैसे कि हम प्लास्टिक ट्रेस में रखें या जो कोरोगेटेड वेंटिलेटेड वेल वेंटिलेटेड कोरोगेटेड बॉक्स है उसके अंदर हम फ्रूट्स रखें और फिर उसको हम राइपनिंग करें ताकि जब हम उसको मार्केट में भेजें तो एक मार्केटिंग अपील है फ्रूट्स की वो मिलनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों फ्रूट्स हैं वो अपने कलर से ही बिकता है, आज भी हम लोग अच्छा कलर देख के ही फ्रूट पसंद करते हैं, टेस्ट तो बात की सेकेंडरी मैटर है। तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि आपका जो फ्रूट्स है वो अच्छी तरीके से पैक हो और वो एक अच्छा साइनिंग वाला हो ताकि जो कंज्यूमर है उसको तुरंत अपील करे। तो नटसेल में दोस्तों हमने देखा कि रैपनिंग चैम्बर्स है उसका क्या महत्व है। मैं फिर से आपको एक समराइज करता हूँ कि रैपनिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हमने आपको बताया कि रैपनिंग टेक्नोलॉजी क्या है, उसके अलावा हमने ये भी आज आपको बताया कि आपको कहाँ लगाना चाहिए, क्या वायबल है। दूसरा आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रैपनिंग टेक्नोलॉजी जब आप रैपनिंग चैम्बर्स लगाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों में ध्यान रखना है ताकि आपका जो प्रोजेक्ट हो सक्सेसफुल हो। रैपिंग चैम्बर्स के लोकेशंस के बारे में भी हमने आपको बताया कि भी आपको रैपिंग चैम्बर्स कहाँ लगाना चाहिए, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि रैपिंग चैम्बर्स जब हम बनाते हैं तो उसके लिए भारत सरकार है वो आपको अलग अलग स्कीम के तहत सब्सिडीज भी दे रही है।
तो दोस्तों अगर ये सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं दोस्तों, तो हम लोग एक अच्छा वायबल बिजनेस मॉडल कोई भी एंटरप्रेन्योर से या फार्मर से वो लगा सकता है। और दूसरा दोस्तों, उससे आप वैल्यूएशन भी कर सकते हो, तो आपको जो रेवेन्यू है आपका वो आपका बढ़ेगा दोस्तों। अगर आप कच्चा फ्रूट बेच रहे हो उसके बदले अगर आप अच्छा पैक किया हुआ राइपन फिनिश मतलब रेडी टू यूज फ्रूट अगर आप मार्केट में सप्लाई करते हो, तो डेफिनेटली आपको प्राइस वेरिएशन मिलेगा। तो उससे दोस्तों आपकी जो आय है, जो आमदनी है, वो भी बढ़ेगी। तो आज हमने आपको पूरा डिटेल उसके रैपिंग चम्मच के बारे में बताया है। हमने एक साथ में प्रेजेंटेशन भी ऐड किया हुआ है जिसमें स्लाइड्स में हमने सब डिटेल दिया हुआ है, तो वो भी आप इसको रेफर कर सकते हो। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमारी वेबसाइट पे आप और कॉन्टेक्ट करके और भी डिटेल ले सकते हो। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। Welcome to Natural Storage Solutions Private Limited, your reliable partner for post-harvest projects across the globe. We provide turnkey solutions for various types of customized cold storage, frozen storage and blast freezer, fruit ripening system, potato grading line, fruit grading line, fruits and vegetables processing solution, IQF system, spiral freezer, along with world-class manufacturing facilities to produce the highest quality systems which are eco-friendly, low operating and user-friendly yet cost-effective to help you succeed. By using cutting-edge technology, we contribute our support to reduce the post-harvest losses, thereby serving the society and nation. Natural Storage.